नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी, यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पाठशाला में क्या खास है। पीयूष उज्जैन पर नए खुलासों का चैप्टर पाठशाला में होगा। आपको बताएंगे कि वो कौन है जिनके नाम पीयूष जैन भूल चुका है। पीयूष जैन या पुष्पराज जैन, आज पाठशाला में हम ये दुविधा भी, ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर कर देंगे। और आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की रैली में जो साजिश हुई, वो आखिरकार किसके कहने पर हुई है। पीएम की कार से विरोधियों को परेशानी क्या है, पीएम की कार के ऊपर लगातार निशाना क्यों साधा जा रहा है। और इसके साथ साथ हिस्ट्री की क्लास यानी इतिहास में आपको ले चलेंगे और अकबर के नवरत्नों का चैप्टर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो पाठशाला में सबसे पहले आजकल के बहु प्रचलित नाम यानी पीयूष जैन पर कंफ्यूजन करने वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। पीयूष जैन को लेकर के आप 10 तरह की बातें आप तक पहुंच रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आरोप लगा रहा है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का करीबी है, तो कोई कहता है कि वो बीजेपी का करीबी है, कोई ये कहता है कि वो इत्र का कारोबारी है, तो कोई कहता है कि उसे पान मसाले का कारोबारी बताया जा रहा है। अब तो इस तक पर चर्चा होने लगी कि पीयूष जैन के घर तो गलती से छापा पड़ गया, पीयूष जैन की जगह किसी और के घर छापा पड़ने लगा था। ये तमाम वो बातें हैं जो पब्लिक में प्रचलित है, यानी आप और हम लगातार अलग अलग सोर्सेस से सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई क्या है या कोई जो बोल रहा है उसके पीछे का सच क्या है, तथ्य क्या है, ये कोई बताने को तैयार नहीं। लेकिन सच क्या है, तथ्य के साथ हम आपको बताते हैं। आज इस पाठशाला में बताएंगे आपको पीयूष जैन से जुड़े वो सारे फैक्ट्स जो कि आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। आपको बताएंगे हम कि उसके घर से कितना पैसा मिला, पैसा जो मिला वो किस किस ठिकाने से मिला, पीयूष जैन किसका नाम बताने से कतरा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही पीयूष जैन के चैप्टर में पुष्पराज कहां से आ गया, दोनों का संबंध क्या है, पुष्पराज जैन कौन है, पीयूष जैन कौन है, इनके बीच में क्या संबंध है, अगर है तो क्या है और नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर कहां से संबंध की बात आ रही है, इन तमाम चीजों पर एक एक करके आज पाठशाला में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 ठिकानों की जहां से पूरा मामला खुलना शुरू हुआ। जीएसटी इंटेलिजेंस के अरेस्ट मेमो के मुताबिक, याद रखिएगा कि हम कोई कहा सुनी कोई कान सुनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने जो कह दिया वो आपको नहीं बता रहे। जीएसटी इंटेलिजेंस जिसने छापा मारा उसका अरेस्ट मेमो क्या कह रहा है, ये ऑफिशियल चीजें हैं, आधिकारिक चीजें हैं, सरकारी चीजें हैं, उसी के मुताबिक आपको बता रहे। जीएसटी इंटेलिजेंस के अरेस्ट मेमो के मुताबिक कानपुर में 7 अलग अलग ठिकानों पर छापे पड़े। पहला ठिकाना था त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड, 133/231A ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर, ये पहला एड्रेस। जो दूसरा एड्रेस रहा वो रहा त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, 133/P/1/232 ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर। तीसरा छापा जो पड़ा उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है 133/291A DKG बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट नगर। चौथा अमरीश जैन का घर, 143 आनंदपुरी कानपुर। पांचवा पीयूष जैन का घर, 139 आनंदपुरी कानपुर। छठा गणपति रोड कैरियर्स का ऑफिस जिसका पता है 133/P/1/196 ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर। और सातवां एड्रेस था प्रवीण कुमार जैन का, डायरेक्टर्स गणपति रोड कैरियर्स हैं, वो गणपति रोड कैरियर्स का जो एड्रेस रहा हुआ आपको बताया, लेकिन इसी के जो डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार जैन वो है 4th floor 75 आनंद। अब पान मसाला बनाने वाली कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस की फैक्ट्री पर जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापा डाला तो वहां पान मसाला और तंबाकू से लदे हुए 4 ट्रक खड़े हुए थे। उन चारों ट्रकों को जब्त कर लिया गया। इस पर पूरे सामान का, जो चारों ट्रकों में सामान था, इस पूरे सामान का कोई बिल नहीं था। यह पूरा सामान गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। कंपनी ने हालांकि जीएसटी चोरी की बात मानी है और
पेनल्टी के साथ उसका पूरा भुगतान भी किया गया। यहां से जो कनेक्शन पकड़ में आया वो आया पीयूष जैन का। जीएसटी इंटेलिजेंस के अरेस्ट मेमो के मुताबिक जब कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर उन्होंने छापे डाले तो पीयूष जैन के 143 आनंदपुरी वाले घर से 177 करोड़ रुपए और 45 लाख रुपए मिले। जो पूरा कैश मिला उसे कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी एसबीआई में जमा करा दिया गया। पीयूष जैन ने हालांकि ये मान लिया कि वो बिना टैक्स चुकाए अवैध तरीके से सप्लाई करता था और जो 177 करोड़ 45 लाख का कैश मिला वो गैर कानूनी सप्लाई से ही उसने रकम जुटाई। इसमें पीयूष जैन की 3 कंपनियां शामिल थी जिसके द्वारा ये पूरा प्रपंच रचा गया, पूरी टैक्स चोरी की गई। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं ऑडोकैम, ऑडोसिंथ और फ्लोरा नेचुरल। इन तीनों कंपनियों को पीयूष जैन और पीयूष जैन का छोटा भाई अमरीश जैन चलाता था और इन्हीं तीनों कंपनियों के इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया था। अब जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच में पीयूष जैन और उसके छोटे भाई अमरीश जैन के काले कारोबार की एक परत खुल गई। इन दोनों भाइयों की मुख्य तौर पर 3 कंपनियां हैं, ओडोकैम इंडस्ट्रीज, ओडोसिंथ और फ्लोरा नेचुरल। ये तीनों परफ्यूमरी कंपाउंड बनाते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी होगा कि परफ्यूमरी कंपाउंड होता क्या है। तो परफ्यूमरी कंपाउंड वो होते हैं जो पान मसाले में सेंट ऑफ फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन पर 18% का जीएसटी लगता है। 2020-2021 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों कंपनियों की जो टैक्सेबल कमाई है वो महज 20 से 22 करोड़ के बीच। इन तीनों कंपनियों की टोटल सप्लाई का 85% जो हिस्सा होता है, इन तीनों कंपनियों की जो टोटल सप्लाई है उसकी 85% सिर्फ त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस को होता था जो कि पान मसाला बनाने वाली कंपनी। अपने बयान में पीयूष जैन ने बताया कि तीनों कंपनियों की सेल, परचेज और पेमेंट की बाकी गतिविधि वही देखता है। कानपुर में पीयूष जैन के आनंदपुरी वाले घर से 177 करोड़ मिले। ये पैसे 7 अलग अलग अलमारियों में रखे हुए थे। 4 अलमारियां 2 बेडरूम में थी और 3 अलमारियां बेसमेंट में थी। पीयूष जैन ने माना कि 177 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी के हैं, इसके बावजूद वो ये नहीं बता रहा कि उसने किन किन लोगों को अपनी कंपनी से माल सप्लाई किया था। वो ना ही तो ये बता रहा है कि किन कंपनियों को वो अवैध तरीके से माल सप्लाई करता था और ना ही ये बता रहा है कि किस से वो अपनी कंपनी के लिए कच्चा माल खरीदता था। जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक पीयूष जैन ने जो कहा वो ये कि वो उन लोगों का नाम भूल गया है, वो उन लोगों का नाम भूल गया जिससे उसकी कंपनी कच्चा माल खरीदती है। पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 साल में 177 करोड़ रुपए का माल बेचा, हर साल बिना बिल के 45 करोड़ का माल सप्लाई किया और इस तरह 4 सालों में 31 करोड़ 50 लाख रुपए के जीएसटी की चोरी की गई। अब आपको लोगों की कुछ बातें सुनाते हैं, कुछ बयान सुनाते हैं। महज के तौर पर आप लीजिए अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने पीयूष जैन के मामले में समाजवादी पार्टी को पिछले कई दिनों से घेर लिया है। लेकिन बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, पीयूष जैन और पुष्पराज जैन को लेकर के कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में है, दुविधा बहुत सारे लोगों में। इसकी वजह है पुष्पराज जैन और पीयूष जैन में बहुत सारी समानताएं। अब वो समानताएं कौन कौन सी हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है, जिसको एक एक करके आपको बता दें। समानता नंबर 1, पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों बिजनेसमैन हैं, यानी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। दोनों के नाम का जो पहला अक्षर है और जो सरनेम है वो एक ही है। पहला अक्षर दोनों का प यानी पी से शुरू होता है और सरनेम दोनों का जैन। दोनों का नाता कन्नौज से है और इत्तफाक से ये दोनों लोग कन्नौज में भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों के दोनों व्यक्ति करोड़पति हैं। दोनों व्यक्ति अपने भाइयों के साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर भी है। ये समानता बताइए आपको, अब बता दें कि दोनों में अंतर क्या है। पीयूष जैन का अब तक कोई भी सियासी कनेक्शन पता नहीं चल सका है। जो बातें कही जा रही कि फलाना पार्टी से संबंधित है, ढिमकाना पार्टी से संबंधित है, ऑफिशियली कोई संबंध अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी इत्र पुष्पराज जैन ने लॉन्च किया था। पीयूष जैन पान मसाले में इस्तेमाल होने वाला परफ्यूमरी कंपाउंड बनाता है जबकि पुष्पराज जैन इत्र कारोबारी है। पीयूष जैन की उम्र 52 साल है, पुष्प जैन की उम्र
60 साल, यह अंतर है दोनों। लेकिन करोड़पति होने के बावजूद पीयूष जैन एक साधारण स्कूटर या कार से क्यों घूमता था? यह सवाल सबके जहन में है। पीयूष जैन का मिजाज कैसा था, वो कैसे रहता था, वो क्या करता था? इन तमाम सवालों का पता लगाने के लिए हम पीयूष जैन के घर के पास ही पहुंचे और कन्नौज में पीयूष जैन के पड़ोसियों से बात की। बातचीत में हमें कई बातें पता चली, उनमें से तीन बातें बेहद जरूरी। पहली बात कि पीयूष जैन के पास इतना पैसा था, इसकी भनक उसके किसी पड़ोसी को नहीं थी। पड़ोसी भी हैरान है। पीयूष जैन को स्कूटी या छोटी कार से इसलिए घूमता था क्योंकि जहां घर है वहां की गलियां संकरी हैं, छोटी हैं, और स्कूटर से इसलिए क्योंकि स्कूटर से पुराना लगाव। पीयूष जैन के व्यक्तित्व की बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीयूष जैन मिलनसार है और शांत व्यक्ति। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन के घर के बीच में 100 से 150 मीटर की दूरी है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन के बीच कोई संबंध नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, और पड़ोसी भी दावा कर रहे हैं कि पीयूष जैन का कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं। तो ये पड़ोसी जब हमने बात की, उन पड़ोसियों से बात करने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई। कई लोगों को कयास था कि पीयूष जैन अगर स्कूटर से घूमता तो क्यों घूमता है, करोड़पति है तो गाड़ी से क्यों घूमता है, लोगों के साथ कैसा संवाद है, कैसा व्यवहार है। उन तमाम सवालों के जवाब आपको अब मिलेंगे। मोहल्ले में तो बहुत अच्छे आदमी थे, शायद ही मोहल्ले वाला कोई कभी उनकी बुराई कर सके। अच्छा। हाँ, बढ़िया आदमी थे, मिलनसार व्यक्ति थे और सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति थे। अच्छा। कहते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी जो रिकवर की गई है एजेंसियों की तरफ से, उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आम इंसानों के जैसी ही थी। कैसे चलते थे, किस गाड़ी से चलते थे, कुछ अंदाज़ा है आपको? देखिए, ये तो हर व्यक्ति के नेचर की बात है। कोई व्यक्ति सादे स्वरूप में रहता है, कोई व्यक्ति बहुत मतलब जो है तड़क भड़क में रहता है। लेकिन जैसा कि ज़्यादातर मीडिया में ये चीज़ उछल रही है बार बार कि वो मतलब स्कूटर से चलते थे या इस तरह का था, अपना रहन सहन नहीं था। जैसे मीडिया ये भी छाप रही है कि वो एक सूती धोती पहन के चलते थे, चप्पल पहन के चलते थे। भाई, तो हमारा अपना नजरिया है, हमें चप्पल में आराम मिलता, हम चप्पल पहनेंगे, जूते में आराम मिलता, जूते पहनेंगे। रही बात स्कूटर की, जो आप लोग बार बार मीडिया में स्कूटर आ रहा है, देखिए कोई भी व्यक्ति का आप ये देखिए, अगर हम हैं, आप है, कोई भी है, अगर कोई अपनी कोई बहुत पुरानी चीज़ से तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है तो उस चीज़ को हटाता नहीं है। इसी वजह से उनके पास उनका पुराना स्कूटर था। हमने तो उनको पिछले 15 साल में कभी स्कूटर चलते नहीं देखा। अच्छा, किस चीज़ से चलते थे वो? कोई गाड़ी थी उनके पास? ये आप देख रहे हैं, ये मोहल्ले की इतनी सकरी गलियां हैं, इतनी पतली गलियां हैं, यहाँ पर गाड़ियों का आना तो बहुत मुश्किल है। जीसीटी इंटेलिजेंस ने उनके पीछे वाले कारखाने में भी किया है, हो सकता है गाड़ियां वहां पे खड़ी हों, चूंकि वो यहां से दूर है, मैं जानकारी नहीं है। और कभी उनको किसी गाड़ी से चलते हुए नहीं देखा? हाँ, गाड़ी से चलते हुए देखा है, क्योंकि कन्नौज है, सकरी गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, इसलिए वो अपनी छोटी सेंट्रो कार से ज़्यादातर छोटी गलियों में चला करते थे। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि गाड़ी घोड़ा ये तमाम चीज़ों की बातें हो रही हैं, काम क्या करते थे, किस चीज़ का मूलतः उनका व्यापार था? पड़ोसी इतना तो जानते ही होंगे। भाई, मूलतः काम तो हमें जहाँ तक ये सुनने में आया कि केमिकल और कंपाउंड का ही काम करते थे वो। केमिकल और कंपाउंड का काम? कभी आप इस घर में इनके अंदर गए हैं? एज ए पारिवारिक होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते गए हैं। अच्छा। उसके अलावा हमारा उनका बहुत कोई वास्ता नहीं था। पड़ोसी होने के नाते तो एक दूसरे के सुख दुख में सभी लोग काम आते हैं। अच्छा। सामने हैं तो जाएंगे, अगर कोई हारी विपदा होगी तो। पंपी जैन कौन है? पंपी जैन वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, MLC हैं। आप लोगों का कोई संबंध है उनसे? जैन और मोहल्ले के नाते सभी से संबंध है। अच्छा, तो मतलब पंपी जैन का इनसे, पीयूष जैन से कोई पारिवारिक रिश्ता, कोई कारोबारी संबंध आपकी जानकारी में? मेरी जानकारी में तो सर जी कोई ऐसा पारिवारिक संबंध, मतलब कम्युनिटी के हैं इतने? जी, कम्युनिटी के हैं, जैन हैं, यही संबंध है। कितने पैसे मिले, कभी लगा कितने पैसे मिल सकते? नहीं, इतने पैसा था मगर इतना, इस मात्रा में पैसा होगा इसकी जानकारी नहीं थी हमको कभी भी। मतलब ये जानकारी थी कि पैसे वाले हैं, लेकिन इतनी जानकारी? काम था, काम ठीक ठाक चलता है, मगर इतना पैसा होगा इतनी जानकारी नहीं थी। क्या काम करते हैं ये लोग? इनका केमिस्ट का काम है, इत्र का कोई काम नहीं है, गला जोड़ते हैं इत्र से। इनका इत्र का कोई काम नहीं? कोई काम नहीं इत्र का है। आप पूरे मोहल्ले में घूम ही आइए, आप पूरे मोहल्ले में घूम के किसी से पूछ लीजिए इनका अगर इत्र का काम हो, एक बंदा भी कह दे। तो कहते कंपाउंड का काम करते हैं? जी, कंपाउंड केमिस्ट, मतलब कंपाउंड का काम ही था उनका, इत्र का कोई काम था? तो दवाओं का काम? जी नहीं, केमिस्ट मतलब कंपाउंड, कंपाउंड का काम था, जो गुटखा कंपनियों को जाता है वो। हाँ, कंपाउंड वगैरह, मसाला वगैरह में यूज होता है इसका। घर के जो बच्चे थे, पृथ्वी जैन वगैरह, उनसे कभी बातचीत होती थी? जी नहीं, वो लोग अधिकतर ज्यादा अपनी पढ़ाई करते थे बाहर, बहुत
कम मोहल्ले में आना जाना हुआ। पहले कभी मिल गए थे, मतलब समथिंग 2-3 साल पहले कभी मिले तो मिले, बाकी नहीं हमसे कभी मिलने नहीं हुआ। जी ये बताइए कि किस गाड़ी से चलते? सब लोग कह रहे हैं स्कूटर से चलते थे, कोई गाड़ी स्कूटर से क्या? भैया ने जैसे बताया कि अगर आप ही की है, अगर कोई चीज़ से आपको लगाव हो जाए, बोलो कितनी छोटी हो तो आप उसको नहीं बेचोगे, नहीं हटाओगे। लगाव है तो लगाव है, उनका लगाव था, स्कूटर चलते। दूसरी ये इतनी सकरी गलियां, यहां कार लेके कहां जाएंगे? अगर कहीं जाते भी तो उनकी सेंट्रो कार थी छोटी, वो उनका मतलब अपना अपना पसंद थी उनकी। अच्छा। कि वो किससे जाएंगे किससे नहीं, वो धसमुख टाइप के व्यक्ति थे। और दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया पे एक चीज़ चला रहे हैं पॉलिटिकल, कोई संबंध नहीं था, ये गलत है। पंपी जैन यहाँ आते थे कि नहीं इनके घर? नहीं नहीं, वो यहाँ कभी नहीं आते थे। आप कभी किसी के यहाँ गमी अम्मी हो जाए तो मोहल्ले के नाते आ भी जा सकते, मगर वो ऐसा कोई संबंध नहीं था। पंपी जैन के घर कितनी दूर है? यहाँ से समथिंग 150 मीटर, 100 से 150 मीटर दूर है। 100-150 मीटर दूर है। अच्छा, तो मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन कुछ नहीं था आप लोगों की जानकारी? बिल्कुल नहीं। कुछ दान दक्षिणा करते थे पीयूष जैन? हाँ करते थे। कितना करते थे? अब वही होंगे 4-5 लाख तो आराम से, और ज्यादा भी हो सकते हैं। 4-5 लाख एक मंदिर में? नहीं नहीं, तीनों मंदिर का, एक ही कमेटी और एक ही जगह दान करना। वो आप तीनों मंदिर की पुजारी हैं? जी। अच्छा, तो हर साल ये 4-5 लाख रुपए का दान करीब करते? हाँ, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे होता रहता था। मतलब अंदाजा एक 4-5 लाख के आसपास का है। कुछ आइडिया में ऐसा है। तो कैसे व्यक्तित्व था इनका, मिलनसार थे कैसे? बहुत मिलनसार थे, बहुत सज्जन थे, बहुत सीधे साधे थे इंसान। अच्छा। हाँ, बड़ा प्रेमी था उनके अंदर। अच्छा। ऐसी कोई सुन रहे हैं जी ये सब, ये तो हमें समझ नहीं आया कैसे क्या हो गया। इतना पैसा बरामद हुआ है, तकरीबन 194 करोड़, मतलब 200 करोड़ के आसपास पैसा बरामद हुआ है, तो आपको सुन के हैरानी नहीं हुई कितना पैसा? हाँ क्यों नहीं, वो तो सभी को जो सुन रहा वही उसी को लगता है कि ऐसे कैसे हो गया जी। वो ऐसे इंसान है ही नहीं है कि इस तरीके से ऐसा हो जाए। बढ़िया इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे फैमिली से हैं, व्यवहार है, किसी से कोई बुराई नहीं है। अच्छा। ये सब चलता है और बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, और पता नहीं कैसे क्या हुआ, भगवान जाने ये क्या है। तो कोई इनका राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी बिल्कुल नहीं, नहीं हमारी जानकारी में तो नहीं है। अच्छा। हाँ नहीं, आपकी जाने कोई कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन नहीं है। परिवार से सिर्फ अकेले आते थे और भी लोग आते थे पूजा पाठ करने के लिए? नहीं, और घर वाले तो सुबह आते थे, वो आते थे करीब 12 बजे के आसपास। लेकिन पीयूष जैन और पुष्पराज का कंफ्यूजन कहां आया, इसके लिए आपको अखिलेश यादव का बयान सुनना चाहिए। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहां अभी भी नोट निकल रहे, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहां, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहां छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। तो पीयूष जैन और पुष्पराज जैन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, इसको पाठशाला में आज हम दूर कर देते हैं। दोनों के बीच की समानताएं और दोनों के बीच की जो असमानताएं हैं वो दोनों चीजें बता देते हैं। यहां हम समानता की बात करते हैं और इधर हम असमानता की बात करेंगे। एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे, पीयूष जैन के बारे में और पुष्पराज जैन के बारे में। ऊपर कॉलम बना के लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये पीयूष जैन है और ये पुष्पराज जैन और पम्मी जैन है, जो कि समाजवादी पार्टी के MLC भी हैं। अब एक एक करके बताते हैं इनमें समानता क्या है। इनमें समानता यह है कि दोनों कारोबारी हैं, ये कारोबारी हैं और पम्मी जैन भी कारोबारी, ये पहली समानता। दूसरी समानता क्या है
कि दोनों के नाम का जो पहला अक्षर है यानी दोनों के नाम का जो प है वो दोनों में प से शुरू होता है और जो इनका सरनेम है यानी कि उपनाम है वो दोनों का जैन, ये चीज दोनों में समानता दार करती। इसके अलावा दोनों का नाता किस शहर से है, पीयूष जैन भी कन्नौज से हैं और पम्मी जैन भी कन्नौज से, इत्र का शहर है कन्नौज। दोनों का मोहल्ला भी एक है, ये देखिए ये इत्तेफाक हो सकता है लेकिन ये दोनों का मोहल्ला एक ही है और मोहल्ले का नाम है कन्नौज का जैन स्ट्रीट। 100 से 150 मीटर की दूरी पर दोनों का घर भी। दोनों करोड़पति हैं और अपने भाइयों के साथ बिजनेस चलाते हैं। ये आपको 6 समानताएं बताई हम लोगों ने पीयूष जैन के बारे में और पम्मी जैन के बारे में। अब इनकी असमानताओं को लेकर के बात कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पीयूष जैन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, बीच में वापस लकीर खींच के मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे कि कहां किसकी बात हो रही है। पीयूष जैन है ये और ये समाजवादी पार्टी की जो एमएलसी के ऊपर लगातार बात आ रही है वो पम्मी जैन। पीयूष जैन का कोई राजनीतिक कनेक्शन जो है, राजनीतिक संबंध जो है वो अभी तक नहीं मिला, लेकिन पम्मी जैन जो है, जो पुष्पराज जैन है, वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये पहला अंतर। दूसरा, पीयूष जैन जो हैं वो पान मसाले में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूमरी का काम करते थे, ये इत्र का काम नहीं करते थे, ये ध्यान रखिएगा। ये पान मसाले में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूमरी कंपाउंड बनाते थे, जबकि पुष्पराज जैन जो हैं वो इत्र कारोबार। पुष्पराज जैन आपके इत्र कारोबारी। पीयूष जैन की जो उम्र है वो 52 साल है, जबकि पुष्पराज जैन की जो उम्र है, जो पम्मी जैन की उम्र है वो 60 साल। अब आपको दोनों चीजें स्पष्ट होगी कि दोनों में समानता क्यों है, दोनों के नाम को लेकर ये कंफ्यूजन क्यों था और दूसरा दोनों में असमानता क्या है। दोनों कारोबारी हैं, दोनों का नाम प से शुरू होता है, सरनेम जैन है, दोनों कन्नौज से हैं, जैन मोहल्ले में रहते हैं, अपने भाइयों के साथ कारोबार करते हैं और करोड़पति हैं, लेकिन पीयूष जैन के राजनीतिक संबंध नहीं है। पम्मी जैन समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, पीयूष जैन पान मसाले का परफ्यूमरी बनाते हैं जबकि पम्मी जैन इत्र कारोबारी हैं। पीयूष जैन की उम्र 52 साल, पम्मी जैन की उम्र 60 साल। ये दोनों चीजें स्पष्ट करने के लिए काफी हैं कि क्या क्या चीजें सामने आनी हैं और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो पीयूष जैन की जो लगातार हम बात कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए। पीयूष जैन की कंपनीज की बात हम लोग कर लेते हैं कि पीयूष जैन की जो कंपनीज के बारे में बात हो रही है वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं और उन कंपनीज की क्या क्या हिस्सेदारी है और किस किस कंपनी पर क्या क्या आरोप है, गड़बड़ी किस किस कंपनी में हुई है। पहली कंपनी जो है वो एक एक करके बताएंगे आपको कि कारोबार क्या क्या है, उसकी एक एक परतें खोलेंगे। पीयूष जैन की जो है वो 3 कंपनियां हैं, पीयूष जैन की 3 कंपनियां हैं जो कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। पहली कंपनी है ओडोकैम। ओडोकैम पीयूष जैन की पहली कंपनी। पीयूष जैन की दूसरी कंपनी का नाम है ओडोसिंथ। अब ये कंपनी क्या क्या करती थी आपको हम ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कंपनियों के नाम आप याद रख लीजिए। दूसरी कंपनी ओडोसिंथ और तीसरी कंपनी है फ्लोरा नेचुरल। ये देखिए, हैंडराइटिंग में आपको हल्की सी दिक्कत आ सकती है लेकिन मैं पढ़ के दोबारा बता देता हूं कि पीयूष जैन की कंपनी है, 3 कंपनियां हैं, पहली कंपनी का नाम है ओडोकैम, दूसरी कंपनी का नाम ओडोसिंथ और तीसरी कंपनी का नाम फ्लोरा नेचुरल। ये 3 कंपनी, इन 3 कंपनियों को पीयूष जैन, उनका छोटा भाई जो है अम्बरीश जैन, वो दोनों भाई मिलकर के चलाते थे। अब इसमें एक रिकॉर्ड की बात बताते हैं आपको कि 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, अब मैं यहां पे आपको लिख के भी दिखा देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे कि 2020 और 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसको कि आप आमतौर मान लीजिए कि ITR जो भरी जाती है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक क्या कहता है वो कंपनी, वो कहती है कि इन तीनों कंपनियों की जो कुल कमाई है, उन तीनों कंपनियों की कमाई जो है वो है
20 करोड़ से 22 करोड़ के बीच में। अब ये देखिए रुपया कितना जब्त हुआ, और ये वो है जो कि टैक्सेबल कमाई है, यानी जिस पर कि टैक्स लगना है ये लग सकता है, ये वो कमाई है 20 से 22 करोड़ रुपए की। तो ये पूरा खाका है। अब इसमें टर्निंग पॉइंट क्या आता है? टर्निंग पॉइंट यह आता है कि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने महज पिछले 4 साल में 177 करोड़ रुपए का माल बेचा है। हर साल बिना बिल के अगर औसत आप निकालें तो हर साल बिना बिल के 45 करोड़ का माल सप्लाई किया, और इसी तरह इन 4 सालों में 3150 लाख की जीएसटी चोरी की। यहां मैं लिख देता हूं कि कुल जीएसटी चोरी कितने की हुई है। जीएसटी चोरी जो की है पीयूष जैन ने वो 31 करोड़ रुपए और 31 करोड़ 50 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की है। तो पीयूष जैन का जो बिजनेस का मॉडल रहा है वो पूरा बोर्ड आपको बताने के लिए काफी है। एक बार दोहरा देते हैं आपको, पीयूष जैन की तीन कंपनियां ओडोकैम, ओडोसिंथ, फ्लोरा नेचुरल, 2020 से 21 की जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इन तीनों कंपनियों की कुल कमाई जो टैक्सेबल कमाई है वो 20 से 22 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन जीएसटी चोरी जो है वो 31 करोड़ 50 लाख, क्योंकि 177 करोड़ का कुल कारोबार किया। और कानपुर सिर्फ फ्यूजन की वजह से सुर्खियों में नहीं है, कानपुर में एक और विवाद हुआ है जिस विवाद के बारे में आपको जानना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि विवाद बहुत गंभीर है, क्योंकि मामला सीधा प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। कल कानपुर में पीएम ने मेट्रो का उद्घाटन किया था, एक रैली भी की थी कानपुर में पीएम ने। मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी सड़क के रास्ते कानपुर से लखनऊ गए थे, लेकिन उनकी रैली से पहले का एक वीडियो आज वायरल हो गया, और इस वीडियो से यह पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति किस स्तर तक आ गई है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो की असली कहानी आपको हम बताएंगे। यह वीडियो कानपुर की है। इस वीडियो को देखकर पहली नजर में सबको यही लगेगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर पुतला जला रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और इसी दौरान एक कार वहां पर आती है। लेकिन कार के वहां आने के बाद क्या चीजें बदलती हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए कि वहां क्या हो रहा था। इस वीडियो को आप देखेंगे तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का हालात अब तक क्या हो चुका है। इस वीडियो के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। कहानी है, ये वीडियो कानपुर की है। इस वीडियो को आप जैसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और सड़क पर कोई पुतला जला रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ राजनीति प्रतिद्वंदिता है तो उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी दौरान एक सफेद रंग की ऑल्टो कार से दो लड़के उतर पुतला जलाने का विरोध करते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भड़क जाते हैं, कार पर ईंटें मारने लगते हैं, कार में तोड़फोड़ करते हैं, नारे लगाते हैं। कार पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। कार के आगे और कार के पीछे भी पोस्टर लगे हुए हैं। इस वीडियो को देखकर सबको यही लगा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों के कार को निशाना बनाया। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो महज वीडियो देख करके आपको पता चल जाएंगी, लेकिन ये सच अधूरा सच है। अधूरा सच क्यों है? यह घटना तब हुई जब पीएम मोदी कानपुर में थे। कानपुर का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की तो इस जांच के बाद पूरा सच सामने आया। सबसे पहला खुलासा जो हुआ वो ये कि कार जिस शख्स की थी वो बीजेपी समर्थक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, नाम था अंकुर पटेल। दूसरा खुलासा यह कि कार में तोड़फोड़ करना सिर्फ एक ड्रामा था, एक साजिश का हिस्सा था। तीसरा खुलासा यह कि साजिश के तहत अंकुर कार लेकर वहां पहुंचा जहां उसके साथी और समाजवादी पार्टी जुड़े लोग पहले से मौजूद थे, फिर कार में तोड़फोड़ का ड्रामा किया गया। चौथा खुलासा यह हुआ कि यूपी पुलिस ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने
और माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया। एक पांचवा खुलासा यह हुआ कि सड़क पर पुतला जलाकर और तोड़फोड़ करके भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई थी। छठा खुलासा यह कि पुलिस ने जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया उनका संबंध समाजवादी पार्टी से है, उन सभी लोगों का जो मारपीट कर रहे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे वो भी, और जिसकी गाड़ी थी वो भी। पांच आरोपी में से चार आरोपियों को लखनऊ से और एक आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। जिन पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई उनकी डिटेल्स भी आपको हम पूरी जानकारी के साथ एक एक करके बताते। इनमें पहला नाम अंकुर पटेल का, साल 2019-2020 में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव रहा। दूसरा नाम निकेश कुमार, युवजन संघ का पूर्व जिला मंत्री रहा। सुकांत शर्मा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का पूर्व नगर प्रवक्ता। सचिन केशरवानी, समाजवादी छात्र सभा का क्षेत्रीय मंत्री। अभिषेक रावत, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव। अलग ही अच्छी बात थी कि समाजवादी पार्टी के इन पांचों आरोपियों को तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि पार्टियां ऐसे अराजक तत्वों का बचाव करती हैं और इस पर राजनीति करने लगती है। लेकिन क्योंकि मामला पीएम की रैली से जुड़ा था, सुरक्षा से जुड़ा था और समाजवादी पार्टी से इन आरोपियों का सीधा कनेक्शन सामने आया, तो समाजवादी पार्टी के पास भी बचाव का इनके कोई रास्ता नहीं। कानपुर में जो कुछ हुआ उसका टारगेट पर पीएम मोदी की रैली थी, उनकी सुरक्षा थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता था। हमारी अगली क्लास पीएम मोदी की सिक्योरिटी से ही जुड़ी है। अब बताएंगे आपको पाठशाला में पीएम मोदी की नई कार के बारे में जिसकी बहुत चर्चा है। यह है मर्सिडीज मेबैक S650 जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और हाईटेक गाड़ियों में से एक है। इसमें व्हीकल रेजिस्टेंस VR10 लेवल की प्रोटेक्शन, इसे एक्सप्लोजिव रेसिस्टेंट व्हीकल ERV रेटिंग भी मिली है। कार की जो बॉडी है और जो शीशे हैं वो ब्लास्ट बुलेट का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। इससे 2 मीटर की दूरी पर भी अगर 15 किलोग्राम विस्फोटक भी धमाका करता है तो इस गाड़ी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अंदर बैठे लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। गाड़ी पर AK-47 की गोलियां दागे जाए तभी भी गाड़ी पर कोई असर नहीं होता। खिड़कियों के शीशे 4 इंच मोटे हैं जिन पर पॉलीकार्बोनेट कोटिंग है। कार सेल्फ सीलिंग फ्यूल टगा है, यानी टैंक में छेद होने पर वो अपने आप ठीक हो जाएगा। टायर पंचर होने पर भी गाड़ी 30 किलोमीटर तक पूरी रफ्तार से चल सकती है। गैस अटैक से बचने के लिए कार के अंदर ऑक्सीजन टैंक फिट है। गाड़ी में 6 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन लगा है, जबकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये गाड़ी जा सकती है। पीएम मोदी की नई कार की कीमत को लेकर के बहुत शोर हो रहा है, बहुत हो हल्ला हो रहा है। कोई कह रहा है कि 10 करोड़ की है तो कोई कह रहा है 12 करोड़ की है, लेकिन असली कीमत क्या है ये आपको पाठशाला में हम बताने वाले। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कार की जितनी कीमत बताई जा रही है कि असली कीमत उसकी सिर्फ 1/3 है। SPG का नियम है कि सुरक्षा में लगे वाहनों को हर 6 साल में बदल दिया जाए, जबकि पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में लगी गाड़ियां पिछले 8 साल से इस्तेमाल हो रही है। पीएम मोदी की एक नई कार कोई अपग्रेडेड नहीं है बल्कि एक रूटीन रिप्लेसमेंट है, क्योंकि BMW ने उन कारों को बनाना बंद कर दिया जो पहले काफिले का हिस्सा थे। खतरे को आंक करके उसके हिसाब से काफिले की नई गाड़ियों की खरीद का फैसला लिया जाता है। नई गाड़ी की खरीद के फैसले में उस व्यक्ति की राय नहीं ली जाती जिसे सुरक्षा दी जा रही। पीएम मोदी ने कभी कहा नहीं कि उनके काफिले में कौन सी गाड़ी को शामिल किया जाए, यह SPG का प्रोटोकॉल होता है। जबकि पिछली सरकारों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन रेंज रोवर कारों का इस्तेमाल किया जो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के लिए खरीदी गई थी, यह आंकड़ा भी आपको याद रखना चाहिए। बहरहाल प्रधानमंत्री की नई कार पर विवाद करने वालों को यह भूलना नहीं चाहिए कि वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां दुनिया की 2री सबसे बड़ी फौज है, जहां 4था सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो देश परमाणु हथियारों से संपन्न है, जो अपने पड़ोस में दुश्मनों से घिरा है, जो आतंकवाद का पीड़ित देश है। पीएम की सुरक्षा से किसी देश की ताकत भी दिखती है और हर प्रधानमंत्री की सुरक्षा इसी तरह से की जाती है ताकि उनकी गाड़ी पर विवाद अब बेमाना है, बेमतलब। पाठशाला में बात करेंगे हेल्थ की क्लास की। ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच पाबंदियां फिर लौट आईं, लेकिन क्या ये पाबंदियां सिर्फ आम लोगों पर लागू होंगी
यही नेताओं पर भी लागू होंगी, क्योंकि चुनावी रैलियां रुक नहीं रही, सब कुछ रोका जा रहा है, चल रही है तो बस चुनावी रैलियां, रैलियों में भीड़ लगातार आ रही है। अब सवाल यह कि अगर शादियों में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति है तो रैलियों में लाखों की भीड़ कैसे जुट रही। सवाल यह कि नेताओं के लिए अगर चुनाव प्रचार इतना जरूरी है तो वर्चुअल तरीके से प्रचार क्यों नहीं करते, क्यों वो रैलियां करके भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच ऐसी रैलियां सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएंगे। इस वक्त खतरा कितना बड़ा है इसको समझना, एक दिन में कई शहरों में बड़ा उछाल आ गया, अब वो शहरों में उछाल क्या क्या रहा है ये भी आपको एक एक करके हम बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए आंकड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी दर्शकों को हम बता दें। ओमाइक्रॉन के आंकड़े क्या क्या हैं किस किस शहर में ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी की, यानी राजधानी दिल्ली की। अब तक जो संक्रमण प्रतिशत था वो 0.89% का था नॉर्मल कोविड का, अब कोविड का जो प्रतिशत बन चुका है वो 1.29% बन चुका। लेकिन आंकड़े ओमाइक्रॉन के कहां बढ़े हैं, पहले जहां आंकड़े 496 थे अब जाकर के कहां रुके हैं जानते हैं, अभी लगभग 1000 हो चुके हैं, यानी 923 मामले हो चुके हैं। मैं दोबारा आपको लिख देता हूं, 923 मामले हो चुके हैं, यानी उछाल कितने प्रतिशत कराएगा, इसका प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो 86% जो मामले हैं वो राजधानी दिल्ली में बढ़े हैं। और ये आप ये मानकर चले कि ये ओमाइक्रॉन की जगह सिर्फ एक कोरोना के मामले हैं, क्योंकि कोरोना से आपको पहले सतर्क रहने की जरूरत है। ये कोरोना के आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कोरोना कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य पब्लिक पर अगर आप रोक लगा रहे हैं तो राजनीतिक रैलियां क्यों ना रुकें, इसके लिए ये आंकड़े जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी की, यानी कि मुंबई। मुंबई के आंकड़े सुनकर भी आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछली जो वेव आई थी आपको उसके आंकड़े भी याद होंगे। मुंबई में जो नए मामले आए, जो पहले थे 1377, वो बढ़कर के अब कल से आज तक में कितने हो गए, 2510 मामले दर्ज हो चुके हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा, यहां पर 82% का उछाल सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो चुका है। ये वो आंकड़े हैं। अब राज्यवार तरीकों की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक की बात कीजिए आप सबसे पहले, कि कर्नाटक में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में आज में 566 नए मामले सामने आ चुके हैं। और यहां पर दिगर की बात क्या है कि कर्नाटक के अंदर जो बैंगलोर, जो कि सबसे हाईटेक सिटी के बारे में जिसको कहा जाता है, अकेले बेंगलुरु में 400 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह बात आप ध्यान रखिए, यानी शहरों में कितनी तेजी के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में इतने आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, शहरी इलाकों में आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली की अगर बात कर लीजिए, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में 21 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक के जो जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कुल सैंपल में से ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो 38%। आपको ये भी मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं कि कुल मामलों में से जो जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले हैं वो 38% मामले हैं, ना कि प्रतिशत बहुत छोटा नहीं। और जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है ओमाइक्रॉन लगातार फैल रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कुल जो मामले कोविड के रहते हैं उसमें से जीनोम सीक्वेंसिंग कीजिए तो 38% ओमाइक्रॉन निकल रहा है। डेल्टा वेरिएंट के आंकड़े क्या आते हैं, ये आपको पता है, अगर डेल्टा वेरिएंट की बात कीजिए तो डेल्टा वेरिएंट में यह प्रतिशत सिर्फ 31% था। यानी जो कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है तो आंकड़े भी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको भी कर रहा है। और माफ कीजिएगा, 30% जो केस हैं ये अन्य वेरिएंट के थे। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको दुनिया का हाल दिखा देते हैं कि दुनिया किन हालातों में है। फ्रांस की बात कीजिए, फ्रांस में रिकॉर्ड 208,000 नए केस आ रहे हैं। यूके में 3 दिन से रोजाना 1,00,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लंदन में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या 53% बढ़ चुकी है। स्पेन में सोमवार को 214,000 नए केस दर्ज किए गए।
ये वैश्विक आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि विश्व भर में क्या हाल हो चुका है। आपको जागने की जरूरत है, और न सिर्फ आम लोगों को बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी, जो लाखों लोगों की भीड़ के साथ रैलियां कर रहे हैं, वो कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। इस मामले में लगातार आपको बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, पाठशाला में ये पाठ अभी जारी। चलो मैं बात करेंगे हिस्ट्री की क्लास। तो मुगल सीरीज में आपको हम अकबर और महाराणा प्रताप का चैप्टर बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। भामा शाह की मदद से महाराणा ने फिर से सेना तैयार की। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगलों का सामना हुआ। दिवेर की सुरक्षा में अकबर का चाचा सुल्तान खान तैनात। युद्ध में राजपूतों ने मुगलों को बुरी तरह परास्त किया। 36,000 से ज्यादा मुगलों ने राजपूतों के आगे सरेंडर किया। चित्तौड़ छोड़कर पूरा मेवाड़ महाराणा ने आजाद करा लिया। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर हमले करने के लिए लगभग बंद कर चुका था, और इसी के साथ अकबर और राजपूतों का चैप्टर क्लोज होता है। लेकिन आज की पाठशाला में हम आपको अकबर के नवरत्नों से मिलवाते हैं। मुगलों में सबसे कामयाब बादशाह अकबर को कहा जाता है। अकबर की कामयाबी के पीछे उसके मंत्रियों और खास तौर पर उसके नवरत्नों का हाथ माना जाता है। अकबर के नवरत्न इतिहास में प्रसिद्ध हैं। आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में जानना चाहिए। वो नवरत्न कौन कौन थे और कौन कौन रहे हैं जो कि इतिहास में अमर हुए, उनके बारे में आपको एक एक करके हम बताते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो कि इतिहास की कक्षा है, तो सबसे पहले इतिहासकार की बात करते हैं। अबुल फजल की बात कीजिए आप। अबुल फजल जो कि इतिहासकार थे। दूसरे थे फैजी, जो कि अबुल फजल के भाई थे, गणितज्ञ थे, राजकवि थे। तीसरी बात आती है फिर तानसेन की, तानसेन जो कि संगीतज्ञ थे। फिर आता है राजा बीरबल का, और जो कि राजा बीरबल देखिए जो कि अकबर के राजनीतिक सलाहकार थे। अगला नाम आता है राजा टोडरमल का, राजा टोडरमल जो कि उनके राजस्व मंत्री थे। अगला नाम आता है राजा मानसिंह का, जो कि अकबर की सेना के सेनापति थे, राजा मानसिंह। अगला नाम अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के संरक्षक थे, संरक्षक बैरम खान जो थे उनके बेटे थे, और अब्दुल रहीम खान खाना एक बड़े कवि भी थे। उसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, जो कि अकबर के सलाहकार रहे। हकीम का हुकाम अकबर के प्रधान रसोईया थे। अकबर के शाही दरबार में इन 9 लोगों की बहुत अहमियत थी, और अकबर जब भी किसी मुश्किल के हालात में फंसता था तो अपने इन्हीं नवरत्नों से सलाह लेता। फिलहाल पाठशाला में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।